आज हस्तपैदल हुआ है, लाखों लोगों को समाज सेवा दी गई है। और हमारे अगर इंस्टीट्यूशंस में देखा जाए तो बहुत सारे जो स्टाफ हैं वो हर एक धर्म के स्टाफ वहां पर काम करते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के होंगे कुछ 5% 10%, उनसे पूछे कि कभी भी उनको धर्म के नाम से उन्हें कहा जाता है कि आपको चर्च आना है। 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस होता है, त्योहार होता है। कभी भी किसी भी स्टाफ को, किसी भी स्टूडेंट को जबरदस्ती बोला गया हो कि आप चर्च में आए, कभी भी नहीं। यह हमारा जो धर्म है, हमारा जो विश्वास है, प्यार करना, आपसी सुलह सलामती से रहना, देश के लिए, देश के लोगों के लिए दुआ करना, हमारे जो अगुवे हैं उनके लिए दुआ करना है, ताकि हमारे देश में, हमारे मुल्क में सच्ची एकता, मेलो मिलाप और हर एक बात में हम तरक्की करते जाएं। और क्रिश्चियन कम्युनिटी का इस समाज में, हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है, और कृपया आप उसको याद रखें। और हम हमेशा जो रिलीजियस डायलॉग्स हैं, इंटरफेथ इंटरेक्शन के डायलॉग्स हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी हमेशा आगे रही है। और हम आज भी अपने तमाम रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनका धन्यवाद देते हैं कि उनके साथ रहते हुए हमने एक दूसरे से सीखा है, और एक दूसरे के साथ रहते हुए एक ऐसे समाज की रचना के लिए हम काम करते हैं जिसमें सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर प्रेम से और शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं आगे के वक्त को फादर प्रिया को उसको देता हूं कि वो हमारी अगुवाई करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो एपिसोड काल प्रोसेस ने ये ना समझे, सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं भाईचारा, हम कोई धर्म के खराब नहीं है। कई बार एक लफ्ज बार बार सुनते रहते हैं, कन्वर्शन, सही रूप से बोलने से हम कन्वर्शन करते हैं। कन्वर्शन जाति का नहीं, इंसान का। जो गलत रास्ता पर इनको सही रास्ता पिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं, जो अनपढ़ उसको पढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं, जाति हमारे सोच के ऊपर है। प्रभु यीशु मानव जाति के लिए दुनिया पर आए, आज से 2022 साल पहले, उन्होंने बाइबल के अंदर कभी भी कोई जाति के बारे में बताया नहीं है। यीशु ने यही कहा, मैं सभी मानव जाति के लिए दुनिया पर आया हूं। ये बात को मन में रखते हुए क्रिश्चियन समाज, जो भी जाति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, जो भी है, हम इंसान के तौर पर हम काम कर रहे हैं, इंसान के तौर पर हम बातचीत कर रहे हैं, इंसान के तौर पर हमारे सेवा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया। क्रिश्चियन समाज इतने सालों से देख लो, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में देख लो, ये सेवा का शुरुआत क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है। चाहे वह अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ना समझे जम्मू शहर के भाई और बहनों, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम इसी के खिलाफ है जो इंसानियत के खिलाफ जाति के ऊपर लड़वा रहे हैं, उनसे बचकर रहना है। हम जाति जो भी हो, हम इंसान है, हमारा परमेश्वर इंसान को प्यार करते, इसलिए जाति के बाद आज कल टीवी में हो, अखबार में हो, सड़कों में हो, जाति के बारे में ज्यादा सुनते हैं, पहले होता नहीं था। हम कोशिश करें, हमारे प्रार्थना करें हमारे दुनिया के लिए, शासकों के लिए, सेवकों के लिए, ताकि जाति के दीवार को हटाकर इंसानियत के तौर पर हम कोई भी जाति का हो, एक दूसरे के साथ गले लगाकर प्यार में, भाईचारे में आगे बढ़ते जाए। आज का जो कानून प्रशासन का शुरू से जम्मू शहर को एवं एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये बताना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारे चाहते हैं। ये शांति भाईचारे को तोड़ने के लिए कोई कोशिश ना करे। हम यीशु ने यही भी बताया, मैं शांति का विधान लेकर दुनिया पर आ गया। यीशु शांति के लिए ये दुनिया में आए, सबसे बड़ा दलील उन्होंने दे दिया प्यार।
ये प्यार पर हम भी अटल है, हम एक दूसरे को प्यार करते हुए कोई भी जाति के फिक्र को छोड़ दीजिए, इन चारित को तौर पर हम एक दूसरे को प्यार करते हुए हमारे जम्मू शहर को, जम्मू कश्मीर को, हमारे देश को, पूरा दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु की शान और अमन हमेशा आप लोगों के साथ बने रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अभी भाई जॉनसन शुक्रिया अदा करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब, सभी पुलिस फोर्स, हमारा अलग अलग मीडिया से काफी लोग हमारे बीच में हैं। भाई जॉन से एक स्टेप ऊपर हो जाओ। आज जैसा कि कैंडल पीस मार्च इस शहर के कुछ हिस्से में किया गया, और इसका जो मेन मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके जो कुछ ऐसे हालात बने हैं जिसके द्वारा कम्युनल टेंशन पैदा की जा सके, ताकि जो एक प्यार मोहब्बत कई सालों से हमारे आपस में जितने रिलीजन हैं उनका बना उनको डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन आज का जो पीस मार्च हुआ इसका मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी ऐसी कोशिश जिसके अंदर किसी का अपना निजी स्वार्थ हो उसको हम ज़रूर कंडेम करें, उसकी निंदा करें, और ख़ास करके जितने हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इसका मकसद यही आपका कि ये मैसेज देना है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमेशा अपने इस देश के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करो। ये हमारे लिए एक कमांडमेंट है, और ऐसा शायद बड़ा कम देखने को मिलता है। ये चर्चिज के अंदर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने इंडिया के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबके लिए प्रार्थना करती है। और ये कारण इसको भी कह सकते हैं कि हमारे इस देश में जो शांति है इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए खास करके आज जिन्होंने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पावन किया है, खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस, डीपीएम साहब, डीसी साहब, और भी जितने हमारी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से हैं, उन मीडिया का खास करके जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वी आर थैंकफुल टू यू। और ख़ास करके हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो हमारी सिस्टर लोग, भाई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं आज इस छोटे से प्रोसेशन से एक बहुत बड़ा मैसेज ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि हम सब यूनिटी, ब्रदरहुड और प्रेम चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस कहते हैं मैं प्रेम हुआ चाहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, और उसी प्रेम को आज क्रिश्चियन कम्युनिटी आपके साथ बांट रही है। और इसी प्रार्थनाओं के लिए खास करके हम दुआ करेंगे ज़रूर कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो इंडिया है, और तरक्की करे, और यहाँ पे भाईचारा जो कह रहे, क्योंकि जो पिछला आपने इंसिडेंट देखा है जिन्होंने किया है उसके अगेंस्ट लोगों ने, उसी कम्युनिटी के लोगों ने उनको कंडेम किया है, और उन्होंने बताया है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी खाली हमारी इस स्टेट के अंदर या हिंदुस्तान थ्रू आउट द वर्ल्ड ये लोग शांति प्रिय लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, और हमारा जो मेन लॉर्ड जीसस की टीचिंग है कि हम प्रेम करते हैं और प्रेम ही को बांटते हैं, प्रेम के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही हमने आज बांटा है। और एक बार फिर तमाम जो हमारे जितने भी पास्टर्स लोग हैं, बिलीवर्स हैं, हमारी सिस्टर बहनें और एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और ख़ास करके अपने सिटीजन का, क्योंकि जब ये प्रोसेशन निकला है तो ट्रैफिक भी जाम हुई, ट्रैफिक वालों को भी हम धन्यवाद करते हैं, और लोगों का भी कि उन्होंने इस प्रोसेशन के दौरान हमारे साथ कोऑपरेट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी आखिरी प्रार्थना है, पास्टर रॉबिन करेंगे, खुदा को शुक्रिया अदा करेंगे। शाम को बारिश का मौसम था, प्रभु ने बादल को हटा दिया, प्रभु का प्यार प्रभु ने एक बार बता दिया, डरो मत मैं तुम्हारे साथ है। आइए पास्टर राव, आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आज की इस रैली के लिए,
जो कैंडल मार्च लग गई है प्रभु जी, और इसके बीच में खुदावन आपने शुरू से लेकर आखिर तक कार्य किया और अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ खुदावन अपने इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और इस खुदावन ट्रस्ट के लिए, जो कि खुदावन इस कार्य के बीच में एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और महान परमेश्वर आए हुए तमाम जितने भी हमारे लीडर्स हैं और जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है, महान परमेश्वर इन सब पर भी आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे। और मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज की खुदावन इस रैली के बीच में, जो पिता परमेश्वर हमारे डीसी साहब और तमाम हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस और तमाम जितने भी खुदावन हमारे इस भाई बहन इस शॉप के बीच में बाहर आकर उन लोगों ने इस बात का स्वागत किया है, हम आप उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर इनके परिवार के लिए, इनके कारोबार के लिए और इनकी हर जरूरतों को अपने ही गैबा खजाने से पूरा करना। अब जबकि हम इस खुदावन रैली को समाप्त करते हैं, खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कार्य में बहुत सारी मदद की, आपका धन्यवाद हो। अभी जबकि ये सब लोग अपने अपने घर की ओर रवाना होने वाले हैं, एक एक हिफाजत निगरानी करना और इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर अमन शांति हमेशा बनी रहे, मदद करो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सच बोल कर ये चांदी का हमारा जुलूस था, पीस रैली प्रमोटिंग पीस हारमोनी, सबके एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, इस भाईचारे का जिंदगी आज रखेंगे। मीडिया के लिए नहीं, एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, चाय का इंतज़ाम सबके लिए किया गया है। आप सेंट पॉल चर्च जो कि सी एम हाउस के साथ में है, आप सब वहाँ पर आएँ और चाय में आप चाय पी के ज़रूर जाएँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, डीएसपी साहब शरद जी के लिए और उनके पूरे स्टाफ के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। देख सकते हैं कि आप चैनल वन के माध्यम से विशेष देख रहे थे, पीस और हारमोनी के लिए यहाँ पर जो है प्रेयर रखी गई थी और कैंडल मार्च रखा गया था, और क्रिश्चियन समाज की तरफ से ये मार्च जो है यहाँ पर रखा था, कैंडल मार्च के लिए जो है दिखाया गया कि पीस को जो है मेंटेन करना, हारमोनी को मेंटेन करना, उसको लेकर जो है ये कैंडल मार्च जो है यहाँ पर था। आप देख सकते हैं क्रिश्चियन समाज के सभी लोग यहाँ पर आए थे और आज उन्होंने यहाँ पर आकर पीस की मेंटेन की जो है बात की है, और ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी कैंडल्स लेकर जो है यहाँ पर थे। विजुअल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं विश्व समाज के लोग यहाँ पर जो है कैंडल्स लेकर पीस की डिमांड जो है यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव वीडियो यहाँ शहीदी चौक के बाहर से देख पा रहे हैं और हारमोनी को लेकर जो है कैंडल मार्च रखा गया है। लाइव वीडियो सभी तक आप चैनल वन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अभी देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट भी यहाँ से खोला गया है और विजुअल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय दें जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो कैंडल मार्च हुआ और यहाँ पर पीस और हारमोनी को लेकर जो है यहाँ पर कैंडल मार्च हुआ, आप इसके बारे में ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करें ताकि सब लोगों तक पहुँचे तरीके से जो है हारमोनी की जो है बात की गई है, जो आप देख पा रहे भी जान को जो है वो यहाँ पर ठीक कर रहे हैं, देख पा रहे हैं।
इस प्लानट इसके यहाँ पर तख्तियाँ लेकर बहुत सारे जो है क्रिश्चियन समाज के लोग प्लीज अभी जो है यहाँ पर ट्रैफिक को जो है खोलती हुई देख पा रहे हैं आप रात के विजुअल्स। चैनल वन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी ये कैंडल मार्च ख़त्म होता हुआ। चलिए दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त और आप देखते रहें चैनल वन और बने रहे चैनल वन के साथ। फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इन चैनल वन प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन 7006444869।